सब तो कैसे हो सब, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लोग खेल रहे हैं ड्राइव जोन ऑनलाइन। तो गाइस आज हम लोग ड्राइव जोन ऑनलाइन में बहुत सारा कुछ करने वाले हैं, तो चलो फट से चलते हैं हम लोग ड्राइव जोन ऑनलाइन में एंड वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं गेम पे जैसे कि तुम लोग देख सकते हो एंड अभी हम लोग है हम लोग का सुपर ट्रियो पे, तुम लोग पता होगा। तो गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं तुम लोग को एक चीज जो बताना चाहता हूँ वो है, तुम लोग को पता होगा हम लोग का ड्राइव जोन ऑनलाइन पे हम लोग का एक स्टोरी लाइन सीरीज चल रहा था। तो बेसिकली कुछ दिक्कतों की वजह से वो जो सीरीज है वो अभी फिलहाल के लिए बंद हो चुका है, मतलब आज मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ दिक्कत में फंसा हुआ हूँ और भाई मुझे टाइम नहीं मिल रहा जो मैं उस सीरीज पे थोड़ा सा टाइम दे के काम कर पाऊँ, इसलिए अभी कुछ दिन के लिए भाई वो जो सीरीज है वो सीरीज बंद रहेगा। जैसे मैं सारा कुछ से फ्री हो जाऊंगा वैसे वो जो सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस कोई बात नहीं, हम लोग वो जो सामने का सीरीज चल रहा था स्टोरी मोड सीरीज, उसके अलावा ड्राइव जोन ऑनलाइन में बहुत सारा ऐसे चीज है जो मैं तुम लोग को आगे दिखाने वाला हूँ एंड भाई तुम लोग को बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस अब चलो चलते हैं हम लोग का आज के वाले वीडियो पे। तो गाइस आज हम लोग ड्राइव जोन ऑनलाइन पे हम लोग का मर्सिडीज एमजी जीटी यानी कि हम लोग का जो मर्सिडीज है उसको हम लोग एकदम पूरी तरीके से भगाने वाले। हम लोग उस गाड़ी से ड्रैग रेस, ड्रिफ्ट रेस एंड उसके अलावा बहुत सारा कुछ रेस करने वाले एंड उससे हम लोग देखने वाले क्या हम लोग का जो मर्सिडीज एमजी जीटी है वो भाई सारी रेस में जीत सकता है या नहीं, क्योंकि तुम लोग पता होगा हम लोग जो मर्सिडीज एमजी जीटी है वो भाई एकदम प्रीमियम कार है एंड वो सबसे हाई प्राइस कार है जो हम लोग खरीद सकते हैं पैसे से, मतलब गेम के पैसे की बात कर रहा हूँ। चलो पहले हम लोग निकाल लेते हैं हम लोग का एमजी जीटी को। ऑलराइट, तो गाइस हम लोगों ने निकाल लिया है हम लोग का मर्सिडीज एमजी जीटी एंड ये है अभी तक गोल्डन कलर की, क्योंकि तुम लोग को याद होगा हम लोग का पिछले एपिसोड में ये हम लोग गोल्डन कार मिला था, मतलब ये स्टोरी लाइन नहीं है कुछ भी हम लोग को मिला था, तो वही वाली कार को मैं आज टेस्ट करने वाला हूँ एंड बहुत सारे रेस में आज हम लोग भगाने वाले। पहले मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ इसका जो पिकअप है वो कितना है। तो तुम लोग देख सकते हो इसका जो पिकअप है वो भाई काफी ज्यादा है, क्योंकि भाई तुम लोग देख सकते हो इसका जो पिकअप है 0 to 100 तो छोड़ो, 0 to 200 इतना जल्दी उठ जाता है ना भाई, क्या बता तुम लोग। तो तुम लोग एक अंदाजा लगा सकते हो हम लोग रेस में कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, तब रेस में हम लोग कैसा हम लोग जाने वाले हैं। तो चलो अब फटाफट से चलते हैं हम लोग रेस में। तो एक काम करता हूँ मैं इधर से ब्रेक मार लेता हूँ, बस 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 रुक जा और हम लोग फटाफट से चलते हैं हम लोग पहला रेस पे एंड देखते भाई पहला रेस पे हम लोग कैसा रिस्पॉन्स रहता है। ओके, तो हम लोग पहले करेंगे स्किल टेस्ट। तो चलो फटाफट से स्किल टेस्ट लगाए थे एंड ये वाली कार हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देख लेते हैं स्किल टेस्ट बहुत ही हार्ड एक चैलेंज होता है इस पे, मतलब इस पे रेस का कोई मामला नहीं है, इस पे तुम लोग का स्किल के ऊपर डिपेंड रहता है सब कुछ। अगर तुम लोग अच्छा गाड़ी चलाना आता है तभी तुम लोग इस जो ये जो रेस है इसको तुम लोग जीत सकते हो, अगर नहीं तो भाई नहीं जीत सकते तुम लोग। ये बेसिकली पूरा तुम लोग का आई क्यू के ऊपर डिपेंड करता है। चलो देखते हैं भाई कैसा लैग मत होना बस इतना ही। ओके भाई 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 ये देखो, अरे मैं भी गिर गया भाई साहब। नहीं 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 चलो चलो खुल जा। ये देखो कितना कार जो है ना ठुक चुका है। ओ भाई भाई सीधा हो जा। ओ भाई भाई क्या कार है हम लोग, अरे यार क्या हो रहा है, पीछे हो जा। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं हम लोग 6 नंबर पे जैसे कि तुम लोग देख सकते हो एंड आगे बहुत सारा गाड़ी है जो गया है एंड मैं रुक गया। वाह क्या बात है, मेरे कार है, भागो 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 भागो। ओ भाई मेरे पीछे एमजी मतलब एक और मर्सिडीज है भाई, क्या हो रहा है। 7 नंबर पे हम लोग है एंड मुझे नहीं लगता हम लोग जीत पाएंगे क्योंकि ये जो रेस है बहुत ही ज्यादा टफ होता है एंड मैं घूम गया इधर ही। चलो कोई बात नहीं हम लोग ये देखो हम लोग आ गया। चलो भाई भाई ऊपर नहीं 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 अरे बहुत ज़्यादा ही ऊपर चला गया हम लोग लास्ट में भाई, तुम लोग सोच सकते हो हम लोग लास्ट में ड्राइव जोन ऑनलाइन रहा हूँ। नहीं अरे यार मैं बार बार एक ही गलती क्यों कर रहा हूँ। चलो नीचे अब हम लोग ऊपर जाना है ऊपर, बस आ गया मैं भाई। इधर से भाई पलट मत खाना वो तो हम लोग सब एकदम लास्ट में 8 नंबर पे एंड आगे पता नहीं है हम लोग फर्स्ट में तो छोड़ो हम लोग टॉप 3 में आ पाएंगे या नहीं पता नहीं, आ सकते हैं अगर किस्मत सही रहा तो आ सकते हैं भाई। आगे वाला जो बंदा है ना बहुत आगे चला गया है एंड भाई मैं बहुत दिन के बाद ये कार खेल रहा हूँ, मतलब बहुत दिन के बाद ये गेम खेल रहा हूँ ना, इसीलिए मुझे थोड़ा सा मतलब मैं
नूब बन चुका हूँ भाई, तुम लोग बोल सकते हो। बस इधर से बस, ये जो स्किल टेस्ट वाला मैप होता है ना, ये बहुत बड़ा मैप होता है एंड इस पर सच में भाई बहुत हार्ड मैप, मुझे इस गेम का सबसे ज्यादा हार्ड टेस्ट मतलब हार्ड रेस ना यही लगता है। देखो भाई सब लोग घुस भी गए भाई, सब लोग पहुंच भी गए मतलब लास्ट लाइन पे, फिनिश लाइन पे, क्या बोल रहा हूँ लास्ट लाइन क्या बोल रहा है। और गाइस इसी के साथ हम लोग मैच हार चुके हैं क्योंकि मैंने लास्ट में आके एक चेक पॉइंट मिस कर दी एंड भाई मैंने मतलब वो रेस हार गया। चलो कोई बात नहीं, हम लोग जाते हैं हम लोग का अगला रेस पे। ओके तो हम लोग तो पहला रेस जो हम लोग का स्किल टेस्ट वाला रेस खेला था वो तो हम लोग हार चुके हैं क्योंकि भाई हम लोग का जो मतलब मैं बहुत दिन के बाद खेल रहा हूँ एंड भाई मुझे उतने ज़्यादा हाथ बैठा नहीं है, इसीलिए मैं वो जो रेस था वो रेस एकदम आसानी से हार गया एंड भाई क्या कर सकते। चलो छोड़ो हम लोग फटाफट से जाते हैं हम लोग नेक्स्ट रेस। ओके तो हम लोग जो नेक्स्ट रेस खेलने वाले हैं वो है हम लोग का स्ट्रीट रेस, मतलब बेसिकली हम लोग ड्रैग रेस खेलने वाले हैं। चलो फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं एंड फटाफट से जाते हैं हम लोग रेस में एंड देखते भाई इस बार हम लोग कैसा रेस मिलने वाला है, मतलब कैसा ओपोनेंट मिलने वाला है। चलो फट से देखते हैं। ऑलराइट तो हम लोग आ चुके हैं हम लोग ड्रैग रेस में एंड इस बार हम लोग को रेस दिया है एरोडोम मैप में, जो अभी के टाइम पे अपडेट के बाद वो जो स्नो टाइप का आ चुका है मतलब बर्फ बर्फ आ चुका है, इसीलिए आई थिंक मुझे लग रहा है इस बार जो मैप है वो टफ होगा एंड मुझे तो। अरे भाई ये कौन सा गाड़ी है क्या भाई, ये क्या है भाई, ये स्नो मतलब ये स्नो ना मुझे इसीलिए पसंद नहीं है भाई। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अभी तक सेकंड नंबर पे, सेवन नंबर पे है और ये इतना गाड़ी फिसल क्यों रहा है, कौन सा कार है भाई ये। भाई देखो भाई ऐसे मत करो, फोर्थ नंबर वाला ठुक गया और मुझे लग रहा है फोर्थ नंबर वाले को, तेरी तो ठुक जा तेरी तो मैं आगे निकल वाला हूँ, मर जाओ सालो धक्का मार के मर जाओ। अबे भाई मेरा गाड़ी घूम गया भाई, क्या हो रहा है। अबे भाई ये स्नो ना मुझे इसीलिए पसंद नहीं है, गाड़ी इतना ज़्यादा घूम जाता है ना भाई, अगर ये स्ट्रीट रेस में होता ना तो भाई मैं कब का आगे निकल जाता, ये इतना बहुत पसंद। अरे भाई ये क्या है, कौन सा मोड़ आता है भाई, आगे जा भाई, टॉर्च चाहिए मतलब इनिशियल जो पिकअप होता है ना वो ज़्यादा चाहिए, उसके वजह से हम लोग जीत सकते। मुझे लगता है सामने ना टर्न है, चल 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 मेरा धन्नो, चल मेरा धन्नो आगे चल तेरी माखी। चलो कोई बात नहीं हम लोग आगे आ चुके हैं एंड ये आ चुका हम लोग आई थिंक थर्ड में मुझे इतना लगता है। ये क्या है सुपरा, भाई साहब सुपरा लेके आए बंदा, सुपरा MK4। चलो गाइस इसके साथ हम लोग आ चुके थर्ड पे, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये हम लोग आ चुके थर्ड पे। चलो हम लोग का जो पहला नंबर पे कौन आया भाई, अच्छा MS4 वाला है, मतलब BMW लेके आया था। चलो कोई बात नहीं हम लोग लगाते एक और रेस, मतलब ये सेम रेस ले आऊंगा ड्रैग रेस एंड भाई अगर इस बार हम लोग को दे दिया ना मेन सिटी पे, मतलब हम लोग जो ड्राइव सिटी है उसके अंदर अगर दे दिया हम लोग को रेस ना तो भाई मजा आ जाएगा। ऑलराइट तो हम लोग आ चुके हैं हम लोग का ड्राइव सिटी पे, एकदम प्यारी से खूबसूरत हम लोग का ड्राइव सिटी पे हम लोग आ चुके हैं। चलो हम लोग फट से इधर से जाते और फट से गेम मोड पे जाते एंड फट से हम लोग एक रेस लगाते इसी कार से एंड इस बार हम लोग कैसे भी कैसे करके ना हम लोग को फर्स्ट मतलब आना है क्योंकि हम लोग टॉप 3 पे तो आ चुके हैं, तो इस बार मेरा जो मतलब कोशिश रहेगा एकदम 100% मैं ट्राई करूंगा कि हम लोग इस बार फर्स्ट आ जाए। चलो देखते हैं इस बार कौन सा कार्ड देता है और कैसा ओपोनेंट देता है। ऑलराइट तो हम लोग आ चुके हैं हम लोग रेस में जैसे कि तुम लोग देख सकते हो एंड इस बार भाई बहुत खतरनाक ओपोनेंट आया, जैसे तुम लोग देख सकते हो मेरे कार्ड तो इन लोगों के सामने आई थिंक चीटी बराबर होगा क्योंकि ये सब लोग भाई अच्छा खासा काले गए भाई, ये लैग हो रहा है ना भाई, कौन सा कार पीछे में धक्का में आगे लैग की वजह से मैं हार जाऊंगा मैं 100% जानता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अरे भाई कौन सा कार था पता नहीं, पगानी नहीं कौन सा कार था मुझे पता ही नहीं, लेकिन कोई सुपर कार था इतना मैं बोल सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं हम लोग आ चुके थर्ड पे, अभी तो फिलहाल केवल थर्ड नंबर पे लेकिन पीछे एक सुपर कार वाला बंदा है एंड मुझे लगता है इस कार से हम लोग जीत पाएंगे। चलो हम लोग फोर्थ थर्ड पता नहीं कौन सा नंबर पर चल रहा है, हाँ ठुक जा भाई भर दे घुसा दे साले। अबे कौन सा नेटवर्क का ग्लिच चल रहा है या फिर ऐसा हो रहा है, मुझे ना अभी तक ये ड्राइव जोन का एक बहुत ही बड़ा ग्लिच लगा है, जैसे तुम लोग पिछले बार मतलब जैसे तुम लोग स्क्रीन पर देखे हम लोग 6 नंबर पे भाई, कैसे हम लोग 6 नंबर पे, कुछ भी चल रहा है क्या, नंबर एक भूल चुका है ड्राइव जोन वाले, हम लोग मर्सिडीज लेके आए भाई, क्या भाई हलवा नहीं है सब कुछ। अरे ये कौन है भाई ठुक क्यों रहा है बार बार,
पता नहीं कौन सा कार लेके बार बार ठूक रहा है। चलो वो कोई बात नहीं हम लोग। ओके बस ये नंबर एक गलत दिखा रहा है या फिर मेरा कार सच में पीछे चल रहा है पता नहीं भाई, लेकिन मेरा रेस जो है वो खत्म हो चुका है। और ये देखो ये कार भाई मुझे मारा था ना टक्कर, ये पता नहीं कौन सा कार है। कौन सा कार है भाई? पोर्शे। लेकिन पोर्शे का कौन सा कार है? पोर्शे 911 मुझे लग रहा है। नहीं पोर्शे 911 तो नहीं होगा। ये देखो भाई ऐसे बंदे आ जाते हैं रेस खेलने, साले रेस तो जीतना मतलब रेस तो जीत नहीं पाएंगे लेकिन सबको टक्कर मार के पीछे कर देंगे। ओके तो हम लोग आ चुके हैं 6 नंबर पे, क्योंकि मैंने तुम लोग पहले बोला था ये नंबरिंग गलत बता रहा है या फिर मेरे साथ ही मतलब मैं खुद देख रहा हूँ ऐसा पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक ग्लिच हुआ इसी वाले मोड मतलब इसी वाले रेस में और इसीलिए हम लोग आ चुके हैं 6 नंबर पे। ओके तो हम लोग ने टोटल 3 रेस खेल ली एंड तीनों रेस में हम लोग जो परफॉर्मेंस है मतलब बेसिकली हम लोग जो कार है वो तो भाई अच्छा खासा ही है, क्योंकि मैं इतना बोल सकता हूँ ये जो कार है ये कार तुम लोगों को खरीद के कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये कार सबसे ज़्यादा महंगा है अभी तक जितने भी कार हम लोग पैसे से खरीद सकते हैं। तुम लोगों को मैं जाके दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने स्टोर में आ गया और जैसे हम लोग कार में आते हैं ना तब देखो सबसे ज़्यादा हाई महंगा यही कार है। ये कार खरीदने के लिए तुम लोग को लगेगा 5.2 मिलियन के आसपास, मतलब ये जो कार है ना ये कार तुम लोग को 52 लाख के आसपास खरीदने को मिल जाएगा। ये जो स्टोर है वो स्टोर में तुम लोग इस कार को पैसे से खरीद सकते हो। तो गाइस तुम लोग मुझे बताना तुम लोग ये जो कार है ये कार कैसा लगा, एंड मुझे तो अभी तक ये कार जो है सबसे ज्यादा अच्छा कार मुझे लगा जो हम लोग पैसे से खरीद सकते हैं। देखो अगर हम लोग दूर दूर से हम लोग खरीदने की बात करें तो भाई बहुत सारे अच्छे अच्छे कार है जैसे कि बुगाटी लंबोर्गिनी वगैरह, लेकिन उसको तुम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते। इसलिए अभी तक जो स्टोर में सबसे ज्यादा अच्छी कार है वो जिसपे तुम लोग आसानी से कोई भी रेस जीत सकते हो वो भाई ये वाले कार है, क्योंकि तुम लोगों ने देखा इस वाले कार का जो स्पीड है वो भी बहुत ही अच्छा खासा है, जैसे कि 300 अप हो जाता है इजी से। एंड इसका जो हैंडलिंग है इसका हैंडलिंग मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, मतलब मैंने जो लंबोर्गिनी चलाया ना उससे भी अच्छा लगा इसका हैंडलिंग। इसलिए मैं तुम लोग को बोलूंगा अगर तुम लोग ड्राइवर ऑनलाइन में कोई भी अच्छा खासा कार ढूंढ रहे हो रेस करने के लिए तो भाई तुम लोग इस कार को खरीद सकते हो। और गाइस अगर तुम लोग इस कार को एकदम फुल मैक्स कर देते हो तब तो भाई इस कार का जो परफॉर्मेंस है मतलब इस कार का जो स्पीड है और जो हॉर्स पावर है वो भाई सबसे ज्यादा हो जाता है सभी कार से। तो तुम लोग मुझे बताना ये वीडियो तुम लोग कैसा लगा, एंड तुम लोग अगर ड्राइव जोन ऑनलाइन में कोई भी अच्छा खासा कार खरीदने का सोच रहे हो मतलब सुपरा MK4 को छोड़ कर, क्योंकि सुपरा MK4 तुम लोग को मैं बता दिया कैसे तुम लोग पैसे में खरीद सकते हो, तो अगर तुम लोग सुपरा MK4 को छोड़कर कुछ कार को खरीदने के सोच रहे हो जो भाई अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा दम रहे कार में जिसके वजह से तुम लोग रेस वगैरह जीत सकते हो, तो भाई मैं तुम लोग को बोलूँगा तुम लोग ये वाला जो कार है मर्सिडीज AMG GT ये कार तुम लोग खरीदो। तो तुम लोग मुझे बताना तुम लोग ये वीडियो कैसा लगा, एंड अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया भाई लाइक करना मत भूलना, और अगर तुम लोग ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब करना इस चैनल को। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।